दोस्तों हम दोबारा से रिलायंस शेयर की बात करने वाले हैं, बट जो अब बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 27 जनवरी को लेकर। आज ये शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आई। आपको कुछ दिन पहले ही मैंने कहा कि इसके अंदर अभी बाइंग नहीं बनती है, पीछे मत भागिएगा और प्रॉपर तरीके से आप जाकर अभी भी ये वीडियो देखिए। प्रॉपर तरीके से उसने एनालिसिस हमारा फॉलो किया है, लॉन्ग टर्म के लिए ये वीडियो हमने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। आज की जो वीडियो होगी वो स्टडी होगी हमारी 27 जनवरी के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा आ रहा है, कि उस दिन आखिर हमें जो ट्रेडिंग करनी है वो किस तरह से करनी है, ठीक है। तो वो कहां पे बाइंग हो सकती है रिलायंस के अंदर, या फिर कहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो चलिए कम टू द चार्ट। तो ये है इसका चार्ट और यहां पे मैंने कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स लगाई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि मंडे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए सेलिंग करना तो इसके अंदर सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये प्रॉपर एक लेवल को ब्रेक नहीं किया है, जो ब्रेकआउट आया था उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर आप सेलिंग करने जाते हैं तो आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 1924, 1918 का मिलता है एंड 1910 का। अगर 1910 टूटा तो 1892 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा मतलब सपोर्ट जोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बट अपसाइड अगर आप एक पोजीशन बनाना चाहते हो बाइंग साइड, तो वो अच्छी पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। तो मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमें ये देखना होता है कि लोग कहाँ पे ट्रैप हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो लेवल है ये एक ट्रैपिंग लेवल है 1962 का बायर के लिए। तो बायर जो आज मतलब इसमें फंसे हैं वो इस लेवल पे फंसे हैं। एंड आप देखोगे कि यही एक हमारा डिमांड जोन भी यहाँ पे रहा था, जहां से एकदम से बूस्ट आया था मॉर्निंग में। तो हम लोग अगर बाइंग करेंगे तो मेरे हिसाब से कल अगर ये 1953 के ऊपर निकलता है एंड दो हायर हाई मार देता है तो आप सेकंड हाई के ऊपर इसको बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट 1962 का होता है। अगर ये 1962 को भी ब्रेक कर देता है और उसको रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से ऊपर का हाई मारता है तो आपको 1917 का टारगेट मिलेगा। 1979 को ब्रेक करता है तो उसके बाद अगर ये सेकंड हाई एक और मारता है तो आपको ये 2000 के लेवल्स दिखा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरी जो सजेशन है, जब मुझे अगर प्ले करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 1962 का वेट करूंगा। यहां पे एक बार ये 1962 को तोड़ दे और बस 1979 को बिना टच किए, मतलब कम से कम मेरा 50% टारगेट जो है 70 से पहले, मतलब ये 70 से भी अगर वापस आता है और दोबारा हाई ऊपर तोड़ता है तो मैं इसको सेकंड हाई पे सजेशन देना चाहूंगा, बाय कीजिए और 1979 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में 1962 का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो ज्यादा बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं, जो MIS में खेलते हैं, कवर ऑर्डर में खेलते हैं, उनको बोलना चाहूंगा कि आप अपना स्टॉप लॉस 1953 का लगा के रखिए। बट अगर ये 1962 के नीचे एक भी 5 मिनट की या दो कैंडल क्लोज दे देता है तो आप उसी टाइम एग्जिट कर सकते हैं। कभी भी पहला वाला SL जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक हिट करने उसको आ सकता है। तो स्टॉक बड़ा है तो थोड़ा सा SL दूर का रखिए, और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हम वहां पे निकल सकते हैं। तो मेरी रणनीति ये रहेगी। बाकी देखिए, अगर इसने कल 27 को 1933 का लेवल तोड़ा तो फर्स्ट टारगेट 1924, उसके बाद 1918 एंड उसके बाद 1910 और उसके बाद 1892 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। और 1892 के लेवल को तोड़ा तो फिर बड़ी तेजी के साथ ये नीचे की तरफ गिरावट आपको दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस सेलिंग साइड मैक्सिमम 1953 का तो बनेगा ही अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्योंकि 1933 का तो आप SL लगा नहीं सकते। तो बहुत दूर का SL पड़ रहा है, टारगेट बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाइंग अच्छी रहेगी। तो अगर ये लेवल्स आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के आप ट्रेडिंग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी स्टडी है, मेरी आप सबके प्यार के तरह आपके प्यार की बदौलत ये मैंने स्टडी यहाँ पे लाई है। लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर ही ट्रेड कीजिएगा। ये मेरी स्टडी है, मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर की है। मेरी किसी को भी ये कहने की कोशिश नहीं है कि आप इसी के बेसिस पे ट्रेड करें, आपका रिस्क है, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल